जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका निरंजन आयंगर एके गॉड्स डीमन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल वन मोर टाइम गाइस। तो आज मैं एक बहुत पावरफुल लॉक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं गाइस। इट्स रियली अ पावरफुल कंट्रोवर्शियल ऑन वन ऑफ द रिचेस्ट इंडियन एंटरप्रेन्योर्स गौतम अडानी। यू हर्ड इट राइट गाइस। तो ऐसा है कि आप सब जानते हो कि गौतम अडानी अडानी ग्रुप्स के ओनर हैं, सीईओ हैं और ही इज ऑन इक्वल पार विद मुकेश अंबानी, जो अंबानीज के साथ है। अडानी उनका मतलब टक्कर में है एंड समटाइम्स इन रैंक टू इज इन रैंक वन ऑफ इंडियन बिजनेस इकोनॉमी। तो आज हम देखने जाएंगे कि ये जो इंडियन बिलियनियर है, जो इवन ही इज इन वर्ल्ड लिस्ट टू, वर्ल्ड टॉप 10 लिस्ट में भी आ जाते हैं अडानी, तो ये बिजनेसमैन के बिजनेस का सीक्रेट क्या है एंड व्हाट काइंड ऑफ फ्रॉड्स ही इज डूइंग इन ऑर्डर टू मेंटेन हिज पावर, मतलब अपने तख्ती संभालने के लिए किस तरह के फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं, यही हम इस व्लॉग के थ्रू देखेंगे गाइस। तो लेट्स गो एंड गिव अ क्विक व्यू ऑन दिस गाइस। तो ऐसा है, जैसे कि मैंने कुछ रिपोर्ट्स बनाया है, तो गौतम अडानी नेटवर्थ इज लाइक $120 बिलियन और पिछले 3 सालों में एक्स्ट्रा $100 बिलियन उनका वर्थ बढ़ चुका है, मतलब $100 बिलियन एक्स्ट्रा एडअप हुए हैं उनके $120 बिलियन के वर्थ पे। और जो अडानी ग्रुप्स के हैं, वो अडानी ग्रुप्स के मतलब मेन 7 कंपनी है जो स्टॉक मार्केट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मतलब दे ओन द स्टॉक मार्केट, मतलब स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा प्राइसिंग ये अडानी ग्रुप के जो 7 कंपनीज है ये रूल कर रहे हैं गाइस। तो आज हम यही देख रहे हैं कि मतलब ये जो रूलिंग कर रहे हैं, तो ये सब सुन के आपको ऐसा लगा होगा कि अडानी इज रियली अ पावरफुल बिजनेसमैन और उनके जो 7 कंपनीज है वो स्टॉक मार्केट पे रूल कर रहे हैं, ये सब आपने सोचा होगा। बट आज अडानी के कुछ सीक्रेट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वो जो 7 कंपनी के जो स्टॉक प्राइस हैं, उनका रेशियो है 891% इन अप्रिसिएशन, सो इट्स रियली अ हाई रेशियो गाइस। तो लेट्स सी नाउ व्हाट्स हैपनिंग हियर, कि अडानी के जो ओन ब्रदर हैं, मतलब अडानी यंगर ब्रदर जिनका नाम है राजेश अडानी, और अडानी के जो ब्रदर इन लॉ है जिनका नाम है समीर वोरा, ये दोनों अडानी ग्रुप के नंबर 1 एसेट हैं गाइस। मतलब जो अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी है वो मैनेजिंग डायरेक्टर है अडानी ग्रुप के, मतलब मेन मैनेजिंग डायरेक्टर, और अडानी के जो ब्रदर इन लॉ है समीर वोरा, ही इज ऑल्सो एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंट्रोलिंग द ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ऑफ अडानी बिजनेस। तो ऐसा पता चला है गाइस फ्रॉम हिडनबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब हिडनबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज अ वेरी बिग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो उनके रिसर्च इंस्टीट्यूट के हिसाब से 3 दिन पहले एक ऐसे इंफॉर्मेशन मिला है अडानी के बारे में जिसे सुन के आपका दिमाग फट सकता है। तो अकॉर्डिंग टू हिडनबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये दो जो महाशय हैं राजेश अडानी और समीर वोरा, दे आर डूइंग इलीगल डायमंड ट्रेडिंग बिजनेस। यू हर्ड इट राइट गाइस, एंड दिस रिपोर्ट हैज कम डायरेक्टली फ्रॉम हिडनबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये इंफॉर्मेशन आते ही 3 दिन पहले इन जस्ट मैटर ऑफ 3 डेज $51 बिलियन लॉस हुआ है अडानी कंपनीज को इन द मैटर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। दिस इज अ लॉस ऑफ $51 बिलियन, मतलब लोगों को उनके ऊपर से मतलब विश्वास उड़ गया, देयर इज अ हेवी स्टॉक लॉस प्राइस इन देयर कंपनी, दैट्स लाइक एग्जैक्टली इक्वलेंट टू $51 बिलियन जस्ट एज दिस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन वॉज पब्लिश दैट हिज ओन ब्रदर एंड ब्रदर इन लॉ आर डीलिंग विद इलीगल डायमंड बिजनेस टू कीप अप द अडानी बिजनेस, मतलब अडानी के जो बिजनेस है उसको बरकरार रखने के लिए इलीगल ट्रेड कर रहे हैं और इलीगल फंडिंग कर रहे हैं अडानी के बिजनेस के लिए। और इसके बाद एक और बात सामने आया, मतलब ये सब मतलब टेबल पे, मतलब जो क्राइम टेबल है, मतलब जहां बिजनेस का जो क्राइम लिस्ट है वहां पे इन दोनों का नाम मतलब पब्लिश हो रहा है, और एक और बंदे का नाम इसमें पब्लिश नहीं हो रहा है, वो है गौतम अडानी के बड़े भ्राताश्री, मतलब बड़े भाई जिनका नाम है विनोद अडानी। तो ये महाशय इतने क्रिमिनलिस्टिक माइंड के हैं, सी व्हाट ही इज डूइंग इज दैट ही इज रनिंग अ स्कीम थ्रू शेल कंपनीज, शेल कंपनीज के थ्रू ये क्या कर रहे हैं, मतलब विनोद अडानी जी, ये मनी को मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में ट्रांसैक्शन करना, मतलब ये अमाउंट को निकाल के उधर डालना, मतलब बुरे पैसे को निकाल के अच्छे पैसे में कन्वर्ट करना, ऐसे खेल खेल रहे हैं, उसके थ्रू अडानी ग्रुप के स्टॉक एक्सचेंज के वैल्यू को बढ़ा रहे हैं बैक एंड सपोर्ट से। तो इसलिए विनोद अडानी जो गौतम अडानी के बड़े भाई हैं, उनका नाम कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि ही इज रनिंग ए इलीगल शेल कंपनी लाइक दिस एंड इज ट्राइंग टू बूस्ट the Adani's business and is also maintaining like offshore accounts, मतलब 38 offshore accounts उन्होंने maintain किया है, और वहां के through उनको जो illegal funding मिलता है उससे वो Adani groups को बढ़ावा दे रहे हैं guys। तो this is what the information we have received from Hindenburg Research Institute। तो मेरा सवाल
हमारे देश और हमारे देश के सरकार से यही है कि क्या सरकार को ये बात पता चल रही है, मतलब क्या पता नहीं है, मतलब तो इफ एट ऑल दे आर नोइंग दिस इश्यू देन व्हाई आर दे नॉट डायरेक्टली टेकिंग एक्शन एंड स्टिल बिलीविंग दैट कि ये न्यूज झूठ है और अदानी का सब कुछ, मतलब जो भी अदानी के ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है ये सब झूठी बात है, तो आज भी सरकार को विश्वास नहीं है। तो इससे मुझे एक डाउट जाता है गाइस कि क्या मोदी जी भी मिले हुए हैं इसके साथ, मतलब क्या सरकार भी अदानी की है, मतलब या सरकार भी अदानी की सपोर्ट में कुछ नहीं कह रही है और सरकार ने मौन व्रत धारण कर लिया है इसी। दिस इज रियली अ बैड थिंग गाइस फॉर अवर नेशन एज such a big entrepreneur is doing all these malpractices, just like जो आपने सीरीज तो देखा होगा बॉबी डियोल का आश्रम सीरीज, जिस तरह से बाबा निराला बाहर तो सबके लिए भगवान थे और अंदर से बहुत करप्ट और ड्रग बिजनेस करते थे, उसी तरह से ये अदानी का जो काला चिट्टा है वो हिंडनबर्ग इंस्टीट्यूट ने दिखा दिया है लोगों के सामने एंड दर्शाया है लोगों के सामने और अदानी का पोल खोल दिया है। तो अभी एक ही सवाल सरकार से जाता है कि सरकार कर क्या रही है, मोदी सरकार कर क्या रही है। जिस तरह से अंबानी के पास से मोदी ने पैसा खाया और पूरा पेट्रोलियम को रिलायंस के सर पे डाल दिया, उसी तरह से क्या मोदी जी अदानी के पास भी पैसे खाते हैं और इस खबर को छुपाने के लिए क्या कांड करने वाले हैं मोदी जी अभी, ये हमें देखने मिलेगा गाइस। तो अंटिल द नेक्स्ट अपडेट गाइस, आई एम गोना ब्रिंग यू दिस अपडेट वेरी सून, मतलब जैसे ही मुझे पता चलेगा इस अपडेट के बारे में मैं आपके सामने इस अपडेट को रखूंगा गाइस। टिल देन टाइम टू थिंक गाइस, और आप इस स्कैम के बारे में क्या सोचते हैं मेरे कमेंट बॉक्स पे जरूर छोड़िएगा, और मैं गॉड्स डीमन इस अदानी नामक दीमक को डुबवा के रहूंगा गाइस। दिस इज द पावरफुल कॉन्ट्रोवर्सी फ्रॉम गॉड्स डीमन फॉर द डे। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम गाइस, दिस इज योर रंजन एंगर एके गॉड्स डीमन एंड वेट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस पार्ट वेरी सून। सो नेक्स्ट टाइम आई विल बी ब्रिंगिंग वन मोर एक्साइटिंग ब्लॉग, जब इसका कॉन्टेंट मिल जाएगा तब ये भी लेके आऊंगा गाइस। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, टाटा बाय बाय, सी या, टेक केयर एंड कीप थिंकिंग गाइस, क्योंकि जो बदक दिखता है, जो बदक की तरह आवाज निकालता है और जो बदक की बोली बोलता है और बदक की तरह उड़ता है, वो खुद बदक ही होता है गाइस। जस्ट थिंक ऑन इट।